ये है दिल्ली दर्पण। तो कोरोना काल में लगभग सभी तीज त्योहार फीके पड़ गए हैं, लेकिन जब बात देशभक्ति की होती है तो नजारा कुछ और ही होता है। स्वतंत्रता दिवस के दिन अशोक विहार स्थित महाराजा अग्रसेन स्कूल ने कुछ खास और मुख्य अतिथियों की उपस्थिति में ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें स्थानीय निगम पार्षद योगेश वर्मा भी भाग लेने पहुँचे। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष पवन गुप्ता ने ऑनलाइन सेशन में स्कूली स्टाफ और बच्चों को संबोधित भी किया। संबोधन के दौरान पवन गुप्ता ने देश के स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया और प्रधानमंत्री के स्वावलंबी अभियान को प्रोत्साहित किया। साथ ही ये भी कहा कि देश को दो दिन की देशभक्ति नहीं बल्कि वास्तविक देश प्रेम की जरूरत है। इसके अलावा पवन गुप्ता ने स्कूल की उपलब्धियों को भी गिनाया और उन लोगों को भी याद किया जिन्होंने स्कूल को इस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है। इस छोटे से कार्यक्रम के दौरान स्कूल के बच्चों ने ऑनलाइन प्रस्तुति देकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। भले ही ये कार्यक्रम काफी साधारण तरीके से मनाया गया हो, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि स्कूल का स्टाफ अपने देश के प्रति हर त्योहार को मनाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन नवीन और योगेंद्र कुमार के साथ डिंपल भारद्वाज की रिपोर्ट।